वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आफिया एंड यू आर वाचिंग आफिया आर्ट अटैक। तो गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुकी हूँ और आज हम बनाने वाले हैं फ्रिज मैग्नेट्स। और मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे फ्रिज मैग्नेट्स बनाने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको हिंट देती हूँ। ऐसी चीज़ जो हम लोग व्हाट्सएप में बहुत यूज़ करते हैं। यस गाइस, करेक्ट गेस, हम यूज़ करते हैं इमोजीज सबसे ज़्यादा। तो आज हम बनाने वाले हैं इमोजी फ्रिज मैग्नेट्स। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे फ्रिज मैग्नेट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक मैग्नेट शीट। ये कुछ मुझे अराउंड हंड्रेड रुपीज़ की है। और ये है एम सील, और या फिर आप एम सील की जगह पे ये बाउंड सेट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो क्ले यूज़ किया था, शिल्पकार क्ले, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर इस बार मैं एम सील का यूज़ कर रही हूँ। तो देखते इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो सबसे पहले तो हम ये मैग्नेट शीट को साइड में रख डालेंगे और ये एम सील को ओपन कर लेंगे। इसमें कुछ दो कंपाउंड्स आएंगे ऐसे, एक रेजिन है और एक हार्डनर है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे। इसको पूरा मचोड़ देना है ऐसे। फाइनली गाइस, हमारा ये क्ले मिक्स हो गया है दोनों कंपोनेंट्स। मुझे लगा था इसका कलर कुछ अलग होगा, तो इसका कलर तो काले कौवे जैसा हो गया है। कोई नहीं, चलो हमको कलर से क्या काम है। तो अभी हम है ना, हमारे मैग्नेट्स तो इमोजीज वाले होने वाले हैं। तो इमोजीज के लिए सबसे पहले हमें इसका शेप सर्कल चाहिएगा। तो उसके लिए मैं एक पेन यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल शेप वाला कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तो मैं पेन से ही काम चलाऊँगी। इसको रोट गाइस, रोटी बनाना तो मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने मेरी मम्मी के पास से ऐसा कुछ रोटी जैसा शेप बना के लाई हूँ। तो ऐसे शेप्स बनाएंगे हम सारे इमोजीज़ के लिए, पर हम सारे इमोजीज सेम साइज़ के नहीं रखेंगे, थोड़े छोटे बड़े ऐसा रखेंगे। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप साइज़ बना सकते हो। मैं छोटे बड़े बना रही हूँ। चलो एक मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये मैं छोटा वाला बनाऊँगी, तो इसको है ना, मैं थोड़ा ऐसा इसको थोड़ा पटक देंगे हम। गाइस बन गई हमारी रोटी मतलब हमारा मैग्नेट। ये छोटा मैग्नेट है, ये तो मम्मी से भी अच्छा बना है भाई, मेरा गजब बेइज्जती है। सो गाइस, ऐसे ही छोटे बड़े मैग्नेट्स बनाते रहने हैं। तो मैं आपको मेरे सारे मैग्नेट्स बना के मिलती हूँ, सारे मतलब मैग्नेट्स नहीं, सर्कल्स बना के मिलती हूँ। 2000 years later. फाइनली गाइस, हमारे मैग्नेट को शेप मिल गया है। आप देख रहे हो कि कलर भी ना कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अभी हम इसके पीछे मैग्नेट शीट तो चिपकानी पड़ेंगी ताकि ये हमारे फ्रिज पे चिपक सके। तो पहले वो काम कर डालते हैं हम। इसके साइज़ को कट करके ऐसे मैग्नेट शीट को कट करके इसको उसके पीछे चिपकाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं।
मैंने मैग्नेट शीट को सारे मैग्नेट्स के शेप में काट दिया है। मैग्नेट से मैग्नेट शीट के साइज़ को थोड़ा छोटा रखा है ताकि जब हम चिपकाए वो दिखे ना। तो अब हम मैंने अभी तक चिपकाया नहीं है, सिर्फ उनके शेप में काटा है। तो चलो चिपका देते हैं। मेरे जो मैंने जो मैग्नेट शीट मंगाई थी उसमें पीछे से एक चिपकू गम चिपका हुआ आता ही है, तो हमको सिर्फ ये निकाल के सिर्फ इधर चिपकाना है इसे। लो चिपक गया। मैग्नेट्स भी चिपक चुके हैं। गाइस अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आ चुका है, वो है कलरिंग। तो चलो करते हैं कलरिंग। सबसे पहले हम हमारे मैग्नेट्स को वाइट कोटिंग देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि ये काले कौवे जैसा कलर है इसका। तो अगर हम कल सीधा वो कलर देंगे, कौन सा भी चीज़ को येलो कलर देंगे, क्योंकि इमोजीज तो येलो रहते हैं, तो येलो कलर देंगे तो इस पर अच्छा नहीं लगेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेंगे। इसलिए पहले हम येलो वाइट करते हैं, फिर उसके ऊपर येलो करेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। चलो वाइट का तो काम ख़त्म हो गया, अब हम येलो कलर करने वाले हैं। तो येलो कलर ले लेते हैं। इमोजीज अच्छे लग रहे हैं वो हम हमारे मैग्नेट्स पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला मुझे अच्छा लगा है ये, सेकंड ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, थर्ड ये तो हमारा सबका फेवरेट है, ये तो बनाना ही पड़ेगा, ये अब हमारा फर्स्ट इमोजी ये है। तो पहले इसकी आउटलाइन बना लेंगे ये वाले पेबल पे। ब्लैक कलर से हम इसकी आईज और वो सब बना लेंगे। तो उसके लिए हम पतला पेंटिंग ब्रश को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग देनी है इसलिए। गाइस हमारा फर्स्ट इमोजी कंप्लीट हो चुका है और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये।
तो ऐसे हम सारे इमोजीज बना लेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। गाइस फाइनली हमारे मैग्नेट्स बन चुके हैं। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये मैग्नेट्स, और कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इनके मुंह और सब। ब्यूटीफुल लग रहा है आपका फ्रिज, इस ऐसा ब्यूटीफुल लगने वाला है अगर आप ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स बना के अपने फ्रिज पर चिपकाते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल का सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे जो मैं हर वीक बनाती हूँ। सो गाइस बाय बाय।